बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सभी? वापस स्वागत है वापस नए इंटरसेक्स से व्लॉग गाइस हमारे। तो गाइस आज जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए भाई, मैं समीर भाई और समीर भाई के साथ दोस्त हैं, मेरे को पता नहीं कौन, उसने बताया भी नहीं अभी फिलहाल। तो आज जा रहे हैं गाइस हम काटू श्याम जो दिल्ली में है गाइस घूमने। तो मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाला हूँ वहाँ पे, और आई होप दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आएगी वाली। तो चलते, मैं रेडी हो चुका हूँ और सुबह का भाई अभी 8:30 हो गए, 8:10 8:20 तक निकलना था, लेट हो गया मेरे को थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं, आ जाओ, बहुत मजा आना वाला है आज के व्लॉग में। और काटू श्याम मंदिर गाइस कृष्ण जी का मंदिर कहते हैं आई थिंक, मेरे को तो पता नहीं है, बट चलते हैं आ जाओ क्योंकि पता नहीं है, देखते हैं आगे। भाई अब हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं और समीर भाई भी आ गए अपने। ए भाई इनका लेजी खुल गया पूरा सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है भाई जिसका लेज खुल जाता है? तो समीर भाई अपना स्टार्ट करो व्लॉग। व्लॉग हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लोग चलते हैं भाई मेट्रो स्टेशन जनंदी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन, समीर भाई पहुंच गए। तो यहाँ से हम जाएंगे गाइस सीधा हम लोग जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, है ना, जहांगीरपुरी भाई, जहांगीरपुरी सॉरी जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, गलती हो जाती है भाई बोलने में। तो वहाँ से पकड़ेंगे क्या, मैं तो भूल जा रहा हूँ, ई रिक्शा फिर वहाँ से 10 रुपये में मिलेगी। अब अंकल पोछा लगा रहे हैं, हट जा। अच्छा भाई अंकल अंकल जी को बिजी कर दिया हमने, ये सब कर दिया मतलब। ये बन रही है हमारे किशनगढ़ जाएगी, हम फिर किशनगढ़ उतरेंगे। अच्छा फिर किशनगढ़ वाली है। हाँ चलो भाई हमारे लिए और आसान पड़ जाएगा, पैसे खर्च करके आने नहीं पड़ेंगे। 10 रुपये लगते गाइस, 10 रुपये है गाइस। हम लोग जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ से भाई समीर भाई और दोस्त लोग आगे। अभी यहाँ से हम गाइस ई रिक्शा पकड़ के हम लोग जाएंगे। हाँ फिर से भूल गया मैं, चलते हैं समीर भाई का डांस। भाई बताना कैसा लग रहा है आज? मैं बिल्कुल एकदम अलग ही लुक में हूँ फर्स्ट टाइम, तो देखो भाई बताना। ये रहा गाइस जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, देखो उतर चुके हैं हम लोग गेट नंबर 2 के पास। तो गाइस हम जहांगीरपुरी से उतरे मेट्रो स्टेशन से, वहाँ से भाई ई रिक्शा लेने का सोचा हमने भाई, 50 रुपये मांग रहा भाई। भाई कौन मांगता है एक बंदे से 50 रुपये भाई? फिर हमने ऑटो वाले अंकल से पूछा, बहुत बुना बना के 120 रुपये ऑटो वाले अंकल ने लिया। कहाँ रह गया ये भाई, ये उधर है। और यहाँ पे भाई पुलिस वाले ने उतरवा दिया ऑटो को, बोला यहाँ से 200-300 मीटर दूर है, ऑटो को जाने नहीं दे रहे आगे, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा गाइस। तो काटू श्याम दिखाते हैं आपको। वैसे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने सुना है बहुत नाम है भाई। और चलो दिखाते पहले आपको, आ जाओ। तो गाइस हम काटू श्याम मंदिर पहुँच चुके हैं गाइस, सामने काटू श्याम मंदिर। चलते हैं जल्दी अंदर अंदर, भाई पुलिस वाले खड़े हैं बहुत सारे, तो भाई बहुत भीड़ लगती है काटू श्याम मंदिर पे। तो अंदर एंट्री लेके दिखाते हैं आपको। तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं, लाइन में लगे थे और समीर भाई ने सेटलिंग करके सीधा यहाँ लगा दिया, वरना भाई क्राउड देखो पीछे का, ये देखो भाई बहुत, मान लो 1 घंटा तो हमें आने में लग जाता जहाँ पे हम सीधा गेट पे आ गए। और भाई ये आज इसलिए भीड़ है क्योंकि ये दो बाबा जी आ रहे हैं और काटू श्याम मंदिर है भाई ये सीधा, और अंदर का देख सकते हो। तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये किस चीज़ के पैर हैं? बाबा जी के पैर हैं शायद, ये लिखा हुआ चरण चिन्ह। तो हमने भाई तो हमने गौर लग गया भाई, और यहाँ बज रहे हैं ढोल बजा रहे हैं। तो अंदर चलते हैं भाई। भाई हमारे स्वागत के लिए ढोल बज रहा था भाई, खाने पीने का स्टॉल भी सही लगा रखा है, बहुत बड़ा है भाई बहुत बड़ा। तो भाई मंदिर बहुत बड़ा है और इन लोगों ने सवारी भी रखवा रखी है, सवारी वाली गाड़ी अंदर आने के लिए, कोई पैदल से चलता तो भाई इंसान थक जाएगा यहाँ घूमते घूमते, बहुत बढ़िया। और देखो भाई सवारी रख रखी है, इसमें आओ अपना बैठो, पैसे लेंगे कुछ छोड़ देंगे आपको। और भाई खाने पीने का बिल्कुल मत सोचा भाई, खाने पीने का तो भर रखा है इन लोगों ने, इधर कैंटीन है, जो खाना हो सब मिलता है खाने के लिए। तो गाइस जो वहाँ पे बोल रहे हैं वो ये है, बच्चों खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, झूले भाई, और ये जो शिव जी का था याद तो नहीं आ रहा फिलहाल, वैसे मेरे को पता है। और भाई देख सकते हो घूमने के लिए बहुत अच्छी, बच्चों खेलने के लिए है,
और फोटो शूट के लिए भी एक नंबर है, और बच्चों की गाड़ी वाड़ी चलानी है तो भाई दिखाते हैं आपको और आगे। अगर कोई बच्चा आता है तो गाड़ी वाड़ी रख रखी है उसकी चलाने के लिए। भाई बच्चों यहाँ बैठा के गाड़ी चला सकते हो। बहुत भाई बहुत समय, मैं तो फर्स्ट टाइम आया भाई, खुश हो गया मैं तो। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पे एरोप्लेन है, अभी हमने ध्यान दिया तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो वहीं अभी जा रहे हैं हम लोग, तो अंदर तो हम लोग गाइस पूजा कर नहीं पाए, संडे तो बहुत क्राउड है और आज के दिन मिलता भी नहीं पूजा करने के लिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, मतलब जो बाबा लोग हैं वो आते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वैसे तो आज के दिन, जिसके वजह से ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है और शिव जी की मूर्ति थी वहीं पूजा कर ली हमने, और अभी यहीं चलते हैं हम लोग जहाँ पे एरोप्लेन है, और फोटो वोटो भी फिर उसके बाद क्लिक कराएंगे। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन भी है, मैंने अभी फिलहाल देखा अभी, तो भाई देखो ट्रेन असली ट्रेन है ये, लेकिन बंद करके रख रखी है यहाँ पे। ये भाई ये देखो भाई ट्रेन, तो इससे पूरा मतलब खाने पीने का होटल बनाएंगे गाइस, वहाँ पे लिखा हुआ था, और जो प्लेन है वो भी खाने पीने के लिए होटल बनेगा, उसके अंदर खाने पीने का सामान होगा। और भाई ऊँट भी है देखो, यहाँ ऊँट देखो, ऊँट चाहते भाई ऊँट से सवारी देते हैं यहाँ पे, बट हम लोग लेंगे नहीं, अभी थक गया होगा तो इसलिए खड़े करके छोड़ रखा है। तो गाइस पास पहुँच चुके हैं, ये तो मेरे को लगा खुला होगा भाई, ये तो बंद कर रखा है यार, गलत बात है भाई, गद्दारी मत करा करो ऐसे यार, हमारे साथ बच्चे हम भाई। तो भाई यहाँ पे सीढ़ी पे जाके फोटो खिंचवा सकते हैं हम लोग। और भाई ये गौतम बुद्ध, ये फोटो लेते गौतम बुद्ध भाई, ये देखो भाई जेसीबी के काम चल रहा है भाई भर भर के। तो गाइस गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास आ गए हम लोग, क्या कर रहा है समीर यहाँ बैठ के, क्यों बैठ गया इधर, धूप सी है, विटामिन डी की कमी। तो खैर भाई देख सकते हो वहां से हम लोग आ गए, फोटो वोटो क्लिक कराए बहुत अच्छी अच्छी, और जिसने भी फोटो देखनी है गाइस जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें, मेरा नाम आ रहा होगा यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, जाइए सूरज शर्मा 777 के नाम से गाइस, सूरज अंडरस्कोर शर्मा डॉट 777 नाम है भाई टोटल अगर, ठीक है। और ये शिव भगवान के भाई शिवलिंग है यहाँ पे, और ये अपनी क्या नाम था शिव भगवान के, और भाई ये मंदिर अभी बनी रही है पूरी याली भाई, बहुत बड़ा बनने वाला है ये मंदिर, और जब ये बनेगा ना भाई तो आपको पूरा दिखाएंगे आके। ये रहा भाई शिवलिंग, राम राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, साबर भाइयों को भाई, किसी को रील शूट करनी है आइए आइए रील शूट करिए। कहाँ जा रहे हैं समीर अब, कहाँ भाई, अंदर से एंट्री लेना तो बहुत ही मुश्किल है, तो हम यहाँ से जाली है भाई, यहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, तो जो आपने वीडियो देखी हमने इसके आर पर जाली से वीडियो शूट करी है, क्योंकि भाई आज के दिन इतना क्राउड है ना, आपको क्राउड दिखाता हूँ आपको एक बार, इधर आओ आपको क्राउड दिखाता हूँ भाई, देखो बच्चों को कैसे घुमा रहे हैं अभी यार, यहाँ तो कुर्सी लगी है, एक सेकंड आपको क्राउड दिखा दें, आज आपको क्राउड दिखा के रहूँगा भाई, एक नंबर क्राउड दिखाता हूँ यहाँ का एक बार, अगर आपको काटू श्याम आना ना भाई संडे को मत आना बस, यहाँ अंदर से भाई क्राउड पूरा भरा हुआ। और भाई ये सारे वीआईपी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीज लगी है भाई वीआईपी लोगों के लिए लगी है, हम कैसे लोगों के लिए कहा लगे, वीआईपी की तरह एंट्री मिल गई भाई, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी भीड़ है ना भाई, अब इतनी गंदी लेवल की भीड़ है आपको बता नहीं सकता भाई, सामने देखो भाई दोस्त। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला ये फूड स्टॉल लगे पड़े हैं भाई यहाँ पे देख सकते हो, तो खाने पीने की तो भाई आप दिक्कत में लेना ही मत, यहाँ आते हो तो ये देखो भाई सब मिलेगा, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, सब ए टू जेड, ढोसा। भाई कृष्ण जी को सामने देखो। तो गाइस देख सकते हो हम अंदर आ गए, यहाँ लिखा है जय श्री राम, नहीं सॉरी जय श्री राम, जय श्री राम। भाई किसी को यहाँ पे मनोकामना मांग लेना भाई, ये देखो भाई, ये पढ़ लेना भाई, मेरी हिंदी कमजोर है, बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। हमारा सूरज भाई मांगने गया है, भाई भगवान ने जो दे रखा है। हमारी बहुत सारी गाय माता है, देख सकते हो हमारी गाय माता है, देख सकते हो। ये कृष्ण जी ने जो पर्वत उठाया था ये वो है, और ये सारे वर्क हैं। इंग्लिश में क्या था नाम भूल गया मैं, भी याद नहीं आ रहा, डाल दूंगा यहाँ पे भाई, देख सकते हो। और सारे लोग जो उसके अंदर आए थे, और कितना प्यारा लग रहा है यार, एक फोटो लेते हैं भाई चलो। तो भाई पास आ गए कृष्ण जी को, भाई जय श्री राम, भाई जय श्री राम, जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। तो शाम पे देखो क्राउड खाने पीने का, फूड स्टॉल पे क्राउड देख सकते हो भाई। अब आप इस चीज से गौर सकते हो भाई, ये कितना फेमस मंदिर होगा यहाँ का, हमारे दिल्ली का। और गाइस हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत थक गए पैर चल चल के हम लोग। यो तो गाइस अब हमने यहाँ पे डोसा खाया, छोले भटूरे खाया और दाल चावल खाया, और थाली भी ली। कैसा था भाई बताओ? भाई मैंने छोले भटूरे खाए अच्छे थे, भाई मैंने डोसा खाया कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, और थाली भी अच्छी है, उतना खास नहीं है, ठीक है। पता है बाहर का खाना तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है, घर का खाना बेस्ट है भाई। तो भाई हमने खाटू श्याम मंदिर पूरा घूम लिया और मस्त खा पी लिया, खाने पीने की वीडियो बना नहीं पाए हम लोग, लेकिन आपको बता दें हमने क्या क्या खाया। खाना अच्छा था, ठीक ठाक ही था, मस्त थोड़े बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन ठीक ठाक था, उतना भी खास नहीं था, बढ़िया था, बेकार नहीं था, ठीक ठाक। कुछ खरीदा होता तो स्टॉल भी लगे पड़े यहाँ पे खरीदने के लिए, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भाई हम लोग दर्शन भी करेंगे, पूरे दर्शन भी करेंगे, क्योंकि इस बार दर्शन कर नहीं पाए हम लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और संडे को भाई बाहर से आते हैं लोग इस चक्कर से। तो भाई ये देख सकते हो अभी भी भाई भीड़ लगी पड़ी है, उसे रोज़ कहाँ से ले रहे हैं लोग, हम भी दो तीन रोज ले लेते हैं। ये देखो कचड़ों का पहाड़, हमारे दिल्ली का नहीं है, दिल्ली से बाहर ही है ये कचड़ों का पहाड़। तो भाई कितनी दूर तक फैला है ये, दिल्ली और बाहर के भी सारे यहीं आते कचड़े। मेट्रो स्टेशन में हम लोग आ चुके हैं वापस से, तो ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, और हम लोग अभी जा रहे हैं वापस से घर, तो यहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए गाइस। और समीर भाई आगे, भाई वहाँ पे लोग खड़े थे यार, तो हम लोग यहाँ से गए नहीं क्योंकि भीड़ लगती इधर से, तो इधर से चढ़ते हैं हम लोग पीछे साइड से और निकलते हैं। भाई बहुत मज़ा आया जाने में, समीर भाई मज़ा आया जाने में, भाई समीर भाई कह रहे बहुत खूब मज़ा आया, भाई बहुत खूब मज़ा आया। फाइनल गाइस मैं वापस से छतरपुर आ चुका हूँ, और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं गाइस हम लोग, देख सकते हो। तो अभी हम निकलते हैं घर के लिए भाई, और समीर भाई चले गए, उसके दोस्त लोग गए हैं, तो मैं घर आके भाई घर के लिए लेट हो रहा था, 4 बज गए, तो घर से फ़ोन आ रहा था। अब भाई मैं बताना चाहता हूँ खाटू श्याम मंदिर भाई सब जाओ घूमने, बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत बहुत मस्त वाइब आती है वहाँ पर जाओगे तो, और एक नंबर लगेगा आपको भाई वहाँ जाओगे तो, जाओ विज़िट करो। मैं बताता हूँ अगर आप यहाँ से छतरपुर में रहते हो तो छतरपुर से पकड़ो, यहाँ से जाना है आपको जहांगीरपुरी से आपको पकड़नी है, नहीं तो जहांगीरपुरी से फिर आपको ले लेनी है, क्या कहते हैं जो भी ऑटो जाती है वहाँ से बोल देना, मंदिर छोड़ देंगे आपसे मंदिर के बाहर,
तो अभी चलते बहुत लेट हो रहा है और बहुत क्राउड भी है गाइस। छतरपुर मेट्रो स्टेशन गाइस नीचे उतर गए हम लोग, देख सकते हो छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से भी हम निकलते हैं घर के लिए गाइस। घर चलते बहुत लेट हो रहा है वैसे भी गाइस। घर आ चुका हूँ मैं और भाई बहुत ज़्यादा थक गया भाई, और टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को, और बाल वाल देख सकते हो भाई पूरे ऐसी तैसी हो गई बाल की। और भाई ये बताना मैंने नया शीशा लगवाया है ये वीडियो वीडियो बनाने के लिए, फिलहाल तो ये वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ मैं, तो जल्दी वीडियो बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पर अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया गाइस फॉलो कर लो जाके। और बताना गाइस वीडियो कैसी लगी आपको हमारी, जो आज का काटू शाम का व्लॉग बनाया था मैंने, तो अगर आपको काटू शाम का व्लॉग आपका आज का पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन बाय गाइस।